स्थित में है और यहाँ पे ये गूगल का इनका पेड़ है जो लगभग 10 से 15 साल पुराना है। 15 साल होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिस रहती है कि गूगल का जो रस है, रस बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं गुजराती? रस है। इसका गूगल का रस कैसे निकलता है और कैसे ये इसकी निकालने का क्या मेथोडोलॉजी है, क्या तरीका है? तो ये एक्सपर्ट है, आपका क्या नाम है? अरविंद। आप निकालते हैं इसको? हाँ। अच्छा, टैपिंग कैसे करते हैं? खेडूत हैं यहाँ के जो कलेक्टर हैं जो इकट्ठा करते हैं, तो अरविंद जी हमें दिखाएंगे कि कैसे छाया आ रही है। नहीं वो ठीक है, ऐसे खुचा के अंदर करो करो करो, जैसे करते हैं वैसे करो। मुझे पानी निकलता हुआ चाहिए। कहाँ ये लगा इसको? कुछ हाँ लगा, यहाँ लगा। हाँ ये दिखाना एडा थी मारो, वीडियो जैसा ही पे एडा थी ओरे थी मारो, એટલે ઇન કોરા મારો તે ઉપર ઇન મારો એ નીચે પાણી વાળું તો મારે આમાં પાણી વાળું પલારો હમ નહીં છડવારો પાણી ये लगाना पड़ता है। ये क्या है इसमें? गूगल का ही गम है, गम का पानी, गूगल का गम का पानी। अच्छा, तो उसको लगाना पड़ता है? लगाना पड़ता है, नकल नहीं निकलता, नहीं आता है गूगल, निकलता नहीं है। ब्लॉक कर जाता है, बाद में सब रस चूस लेता है। अच्छा, अभी ये 10 का 15 दिन के बाद निकलेगा। अच्छा, अभी निकलना शुरू हो गया? नहीं 15 दिन, 15 दिन लग गए, 15 दिन में निकलेगा और सूख के गोंद जैसा हो जाएगा। अभी कच्चा निकला होगा, इसमें कच्चा दिखाइए ना। कच्चा नकली में रस निकली थोड़ा वाइट बैठे हो क्या? आ रहे। तो इतने से पेड़ से अगर हम बात करें कितना आ जाएगा? 100-200 ग्राम। ये कच्चा जो है रॉ मटेरियल है गूगल का, जो कच्चा निकलना शुरू हो गया, 15 दिन के बाद ये सूख जाएगा और फिर इसको आप उतार लेंगे। और इस पेड़ से जो है एक बार में कितना ले सकते हैं? 250-300 ग्राम। 300 ग्राम निकल जाएगा सूखा, जितने कट लगाए आपने। बहुत बढ़िया, ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। यही देखना था मैं।